हेलो फ्रेंड, गुड मॉर्निंग। ये देखिए, मैं तो हिबिस्कस ही दिखाती हूँ आपको। ज़्यादातर बहुत बिग साइज में खिले हैं। इधर कनेर भी है, ये देखिए, ये वाले हिबिस्कस भी। ये चंपा लेकिन जल से जा रहे हैं बेचारे, इतनी धूप है। ये देखिए, प्यारे प्यारे से मॉस रोज, प्यारा सा रोज का प्लांट। गार्डन मेरा बुरी तरीके से फैला है, लेकिन कोई बात नहीं, मैं काम भी कर ले रही हूँ बहुत सारे। एक तो मैंने इतने सारे प्लांट को सेव किया, इसकी खुशी तो हो ही रही है मेरे को। प्लस मैंने बहुत सारा जगह देखिए खाली कर लिया। अब बहुत सारे मैं पॉट्स एडजस्ट करके झुंड में रख पाऊँगी। जगह खाली हुआ, थोड़ा सा छत का वेट भी कम हुआ। जो अच्छी चीज़ें हैं उनके लिए थोड़ी देर के लिए खुश हो लेना चाहिए, बुरी चीज़ों को अवॉइड करना चाहिए। ये अभी हैं, हमेशा नहीं रहेंगी, पर जो अच्छी चीज़ें हैं उनको खुल के एंजॉय करना चाहिए। वो चांस कभी नहीं छोड़ना चाहिए। अगर हमको छोटी सी छोटी कोई ऐसी चीज़ हमारे साथ हो रही है जिससे हमें खुशी मिल रही है, कि खुशी से कीमती, खुशी से बड़ी चीज़ कुछ नहीं होती, तो उस चीज़ को एंजॉय कर लेना चाहिए। देखिए, डहलिया खिला है, भले एकदम छोटे साइज में, और एक बर्ड और है। तो मेरे प्लांट्स भी सेफ हो गए बहुत सारे, और मेरे जगह भी बहुत खाली हो गए। मैं झाड़ू लगाऊंगी शाम को। तो बहुत सारे ये जो ये धूप वाले साइड के प्लांट्स हैं वो मेरे इधर एडजस्ट हो जाएंगे। इधर कम टाइम के लिए आता है धूप। ये देखिए मेरा चित्रक, इसकी भी मैंने रिपोर्टिंग की। मैं दिखा नहीं पाती हूँ शाम को जो काम करती हूँ। प्लास्टिक के गमले में इसीलिए पसंद करती हूँ कि रिपोर्टिंग का काम बड़ा ईजिली हो जाता है। तो बहुत हो गई बातें, अपने टॉपिक पर आ जाते हैं कि हम इतनी तपती धूप में भी अपने तुलसी प्लांट को, तुलसी जी को कैसे एकदम बुशी हरा भरा रखें। क्योंकि तुलसी जी हर आंगन में पाई जाती हैं, और उनका हरा भरा रहना बहुत ज़रूरी है। क्योंकि उनको, उनके हरा भरा रहने से एक फील आता है, और ये सच्चाई भी है, पॉजिटिविटी आती है, कि अगर हमारा तुलसी का प्लांट हरा भरा है तो हमारा घर भी हरा भरा है, खुशियों से भरा हुआ घर। और तो कितनी भी भीषण गर्मी हो जाए या कुछ भी हो जाए, हमें अपने तुलसी जी को सूखने नहीं देना चाहिए। तो हम ऐसा क्या करें कि हमारी तुलसी जी हमेशा हरी भरी रहें, कैसे हम उनका केयर करें, मैं आपको चलिए अपना तरीका बताती हूँ। और वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक शेयर कमेंट करिएगा, वीडियो लास्ट तक देखिएगा, और जो नए हैं वो तो पहले सब्सक्राइब कर ही लीजिए। तो चलिए फिर देख लेते हैं। देखिए फ्रेंड, ये प्यारा सा बछड़ू कैसे पानी पी रहा है। ये रही हमारी तुलसी जी जो मेरे आंगन में है। देखिए, मैंने इसकी पत्तियाँ देखी आप, कितनी हेल्दी, कितनी लश ग्रीन। तो
इसकी केयर की मैं अगर बात करूँ तो पहले मिट्टी की बात कर लेते हैं। तो मिट्टी आप इसकी रेत, एक भाग रेत, रेत की क्वांटिटी थोड़ा ज़्यादा ही हो तो अच्छा है, एक भाग गार्डन सॉइल और एक भाग काउडंग, काउडंग ज़रूर होना चाहिए। और फंगीसाइड साइड के तौर पे आप वुड एस मिला लीजिए, हल्दी मिला लीजिए और इसको लगा दीजिए। ड्रेनेज सही होना चाहिए, ओवर वाटरिंग कभी नहीं होनी चाहिए और मिट्टी की गुड़ाई करते रहिए। देखिए और हर लीफी प्लांट में जो छाछ का पानी होता है खट्टी दही, या आजकल गर्मियों में अक्सर दूध फट जाते हैं तो उसका जो पानी होता है उसको पानी में डाइल्यूट करके आप इसमें सप्ताह में एक बार आप ज़रूर डालें, या फ्रेश दही हो उसी को आप डालें तो बहुत फ़ायदेमंद होता है हमारे तुलसी जी के लिए। और आप देख सकते हो कैल्शियम के लिए मैं ये चाक के टुकड़े, इसको पाउडर फॉर्म में भी आप डाल सकते हो या मिट्टी में ऐसे गड़ा सकते हो, तो ये मैं डालती हूँ। आजकल गर्मियों में मच्छर तो बना रहना चाहिए लेकिन ओवर वाटरिंग नहीं होनी चाहिए, पानी ड्रेन हो जाना चाहिए अच्छे से। तो इसकी केयर तो इतनी ही है फ्रेंड्स, मिट्टी मैंने बता दिया, आप बीच बीच में छाछ का पानी देते रहिए, कभी कभी बनाना पीर फर्टिलाइज़र और काउडंग का भी लिक्विड बना के दे सकते हैं। और ऐसा नहीं है कि ये मेरे आंगन में लगी है तुलसी इसलिए हेल्दी है, मैं और भी अपने तुलसी के प्लांट दिखा रही हूँ जो बिल्कुल वेस्ट में लगी हैं। जो मेरे वेस्ट में लगी है एक कॉफ़ी पैकेट में लगा हुआ है देखिए, और ये दूसरा प्लांट ये देखिए ये भी कॉफ़ी पैकेट में ही लगा है, और ये बॉटल में लगा हुआ है देखिए। तो एक तो ये जो मंजरी निकलती है ना इनको आप ज़रूर पिंच करिए, पिंच करके आप किसी पॉट में डाल दीजिए, इसके दो फायदे हैं, इससे ये प्लांट भी हेल्दी हो जाता है, इनको बहुत हेल्प मिलती है इनकी मंजरियाँ हटा लेने से इनको ग्रो करने में। और मंजरियों में ही इनके सीड होते हैं तो आप किसी भी पॉट में डाल देते हैं तो नए नए प्लांट इसमें से निकलते रहते हैं, और मैं कभी भी किसी भी तुलसी जी के प्लांट को फेंकती नहीं, छोटे छोटे ऐसी बॉटल्स में देखिए ये बॉटल्स में ही लगा हुआ है, सेव कर लेती हूँ। तो आप किसी को गिफ्ट भी कर सकते हो, सोचिए इतना शुभ प्लांट आप किसी को गिफ्ट करोगे वो बहुत अच्छा होता है, बहुत थैंकफुल भी होगा और होना भी चाहिए। और जो लोग प्लांट्स की कदर नहीं करते, देने वाले के लिए दिल से थैंकफुल नहीं होते, उनको देना भी नहीं चाहिए। खैर अपनी चीज़ अपने पास रखिए। तो देखिए बिल्कुल वेस्ट में लगा हुआ है, उसके बाद भी कितना हेल्दी है। तो बस काउडंग मिली मिट्टी फंगीसाइड के तौर पर, वुड एस या हल्दी का पाउडर और मिट्टी की गुड़ाई, और अभी थोड़ा इसको स्टडी प्लेस में रखिए, बिल्कुल डायरेक्ट सनलाइट में नहीं रखिए, लेकिन धूप तो थोड़ी पड़नी ही चाहिए, मिट्टी में मॉइस्चर बनी रहनी चाहिए। और कीड़े मकोड़ों के लिए आप छाछ के पानी का, दही के पानी का आप स्प्रे कर सकते हो। तो बस फ्रेंड यही थी आज की तुलसी प्लांट केयर, कैसी लगी आप सबको आप प्लीज़ कमेंट्स में बताइए, और अपने प्लांट्स को ऐसे ही हरा भरा हेल्दी से रखिए। और इसकी मेडिसिनल वैल्यू भी बहुत होती है तो सबको पता है, हम इसका यूज चाय में करते हैं, सर्दी जुकाम में, गले के खराश में बहुत वर्क करता है। तो हर तरीके से ये प्लांट हमारे गार्डन में होना ही चाहिए, और मेरे पास तो बहुत सारे हैं, मैं बता रही हूँ कि मैं सेव करती जाती हूँ, मैं कभी फेंकती नहीं हूँ। और कभी कभी ऐसा होता है कि आप आंगन में जो तुलसी का प्लांट लगाए हैं कभी कभी सूख भी जाता है, तो अगर तुलसी के प्लांट हरी भरी हैं
तो हमको खुश रहना चाहिए कि सब कुछ हमारा अच्छा है, सब कुछ ठीक है, कुछ भी बुरा नहीं है। लेकिन बाय द वे कभी कभार अगर हमारी तुलसी की जी सूख जाती हैं, तो एक तो आप ऐसे छोटे छोटे प्लांटर में जो सेव करके रखते हैं, मैं तो यही करती हूँ, उनको तुरंत आप चेंज करके लगा दीजिए, वहाँ पे खाली मत रहने दीजिए आंगन के चौरे को, और मन में कोई भी नेगेटिविटी नहीं आने दीजिए कि कुछ बुरा होने वाला है या कुछ बुरा है इसलिए हमारा तुलसी का प्लांट सूख गया। बिल्कुल भी नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है। बस ये सोचिए कि हमसे ही उनकी देखभाल में कुछ गड़बड़ी हो गई, ओवर वाटरिंग हो गई, या पानी की कमी हो गई, या खाद की कमी हो गई, या कुछ एटमॉस्फेयर में उनको कुछ अलग हो गया, तो उसमें कुछ नेगेटिव नहीं होता है। प्लांट से कुछ गड़बड़ी की वजह से सूख भी जाते हैं। तो ओके फ्रेंड, आज के लिए इतना ही, बाय।